उत्तर प्रदेश के हरदोई के शाहबाद में डीएम ने धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें वहां अफरा तफरी मच गई। निरीक्षण के दौरान तमाम कमियां पाए जाने पर डीएम ने केंद्र प्रभारियों को जमकर फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि डीएम अविनाश कुमार अचानक नवीन मंडी स्थल पहुंचे और सीधे धान क्रय केंद्रों पर जा धमके। उन्होंने सबसे पहले विपणन शाखा के क्रय केंद्र पर बैठे किसानों से बैठने की वजह पूछी, जिस पर किसानों ने कहा कि उनका धान गीला बताया जा रहा है और तोलने का कोई समय भी नहीं बताया जा रहा। इस पर विपणन के क्रय केंद्र पर तैनात केंद्र प्रभारी अविनाश कुमार और विश्वनाथ मिश्रा को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी किसानों का गंभीरता से धान तोला जाए, किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी भी किसान से कोई शिकायत पाई गई तो केंद्र प्रभारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं किसानों द्वारा पानी के पर्याप्त व्यवस्था ना होने की शिकायत किए जाने पर जिला अधिकारी अवनीश कुमार ने मंडी सचिव राम चौधरी को भी फटकार लगाई। इस मौके पर तहसीलदार अवधेश कुमार भी मौजूद रहे। किसानों को उनको उनके प्रोड्यूस का उचित मूल्य प्राप्त हो, उसके लिए जगह जगहों पर सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं और उनको MSP पर उनका भुगतान किया जाना है, खरीद करी जानी है और भुगतान किया जाना है। इसी की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए आज मेरे द्वारा शाहबाद मंडी में संचालित मार्केटिंग विभाग के दो क्रय केंद्र देखे गए। यहाँ पे किसानों से वार्ता करी गई, उनकी समस्याएं को जानने की कोशिश करी गई। कुछ प्रमुख समस्याएं आई हैं, जैसे यहाँ पे आवक बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से निकासी नहीं हो पा रही है खरीद के बाद। तो जो यहाँ के केंद्र प्रभारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि सर राइस मिल के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो आज से उठान चालू कर देंगे। तो मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए कि इसको तुरंत से आज ही खाली करा के इस पर यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, उनका वेटिंग पीरियड कम हो। एक समस्या और रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ किसानों ने यहाँ पर उल्लेखित करी कि सर रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा हमें समय लग रहा है। तो बताया गया है कि CSC केंद्रों के बारे में यहाँ पर सूचना डिस्प्ले कर दी जाए और रजिस्ट्रेशन के बाद तहसील स्तर पे सत्यापन होने में देर ना लगे, उसके लिए तहसील स्तर पे एक कंट्रोल रूम खोल दिया जाए, वहाँ पे एक रजिस्टर भी रखा जाए, जिससे अगर कोई किसान ये ऐसी शिकायत करता है कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया बट सत्यापन आख्या नहीं आई है इसलिए मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ पे संबंधित जो ऑपरेटर जो वहाँ पे ड्यूटी पे लगाए गएंगे लेखपाल या ऑपरेटर, उनकी जिम्मेदारी होगी वो संबंधित लेखपाल से सत्यापन करा के नियमानुसार जल्दी रिपोर्ट लगवाएं। उसमें थोड़ा यहाँ पे मंडी सचिव को भी निर्देश दिए गए कि थोड़ा आपने किसान भाइयों के लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, थोड़ा टाइम वेटिंग पीरियड ज़्यादा है इनका अगर, और विश्रामालय अगर कुछ है जगह बन सकती है तो उसकी व्यवस्था कराएं, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.